इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्मेशन एल्डिहाइड और कीटोन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका। देखिए ये यहां पर हम क्या लेते हैं, 1 मोल एल्डिहाइड का लेंगे, क्लियर, और ये 1 मोल एल्डिहाइड हम रिएक्ट कराएंगे 1 मोल एल्कोहल से, आर डैश ओ और एच, क्लियर। ऑक्सीजन पर आप जानते हैं 2 लोन पेयर है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, 2 के साथ क्या बना हुआ है बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहे, तो 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज की तरह होता है, और ये नेगेटिव चार्ज किस चीज को सर्च करता है, पॉजिटिव सेंटर को, क्लियर। तो व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कोहल रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड, और ये कैसा एल्कोहल होना चाहिए, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्या शब्द है, मोनोहाइड्रिक है जिसमें एक OH ग्रुप हो, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लियर। अब ये जो लोन पेयर है इसको चाहिए कहां, वो जगह जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज मिले, और वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है जब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे मैं बता दिखा देता हूं, डेल नेगेटिव और इधर डेल पॉजिटिव। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये हम एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं, क्लियर। एसिड का काम वैसे प्रोटोनेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन होता है, क्लियर, लेकिन हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट देखते हैं कैसे होगा। एसिड की प्रेजेंस में है ये जो लोन पेयर है, ये कार्बन पे आके अटैक करेगा और ये इस तरीके से दिखाएगा, R C O नेगेटिव, ये H, ये तो ये ग्रुप बनाया, ऑक्सीजन को अटैक करा दूं मैं, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये R डैश, ये पूरा वो एल्कोहल मॉलिक्यूल है जो आके अटैक किया। अब देखिए इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड लगे होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे H3O पॉजिटिव जैसे होता है। तो अब जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल कंडीशन में आने की कोशिश करता है, न्यूट्रल कंडीशन में आने की कोशिश में आपको पता है न्यूट्रल कब होता है ऑक्सीजन, जब इस पर 2 आपके बॉन्ड लगे हों। यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो एल्कोहल का ऑक्सीजन है इसको मैं OAL लिख देता हूं क्योंकि ये एल्कोहल का ऑक्सीजन है, क्लियर है। ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करेगी और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगी, हाइड्रोजन जब जाता है तो कौन से चार्ज के साथ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो जब यहां पर ये माइग्रेट होगा तो आपका ये आएगा आर सी ओ आर डैश, ओ आर डैश कौन सा पार्ट है, एल्कोहल, ओ एच ये ऑक्सीजन किसका है, एल्डिहाइड, ये एच किसका है, एल्डिहाइड, मीन्स ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये एल्डिहाइड का पोर्शन है, क्लियर। तो यहां पर हमने एक OR ग्रुप ऐड किया तो हमने एल्कोक्सी ग्रुप ऐड किया, इसको एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपका एक एल्डिहाइड एक एल्कोहल से रिएक्ट कर जाए तो एक एल्कोक्सी ग्रुप ऐड होने पर इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड मोल आपका एल्कोहल का यूज हो, सेकेंड मोल ऑफ एल्कोहल को अगर आपको दिखाना है तो R डबल डैश ले लीजिए, दोनों आपको पता रहेंगे, R डबल डैश OH, तो ये ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर है तो ये एक नेगेटिव चार्ज की तरह होगा और ये भी अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पर, पॉजिटिव सेंटर पर ये अटैक करेगा तो ये यहां से जो OH ग्रुप है ये यहां से रिलीव होगा, मीन्स ये यहां से लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप, और जब ये लीव करेगा तो आपको पता है OH कौन से चार्ज के साथ जाएगा, नेगेटिव, कार्बन पर क्या सेंटर आएगा, पॉजिटिव, क्लियर। इस पॉजिटिव सेंटर पर जो आपका ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करते हैं, पॉजिटिव सेंटर पर, और जब ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा तो देखिए ये R C O R डैश O, ये OH यहां से लीव किया, इस OH के जगह कौन आ जाएगा, एल्कोहल, तो एल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल O R डबल डैश और ये H, और यहां पर ये H, तो ये R डबल डैश ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहां पर सेकेंड मोल है, सेकेंड
मोल ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का सेकेंड मॉलिक्यूल पूरा आ गया। देखिए बाहर यहां से कौन निकला था, OH, तो OH नेगेटिव ये है, क्लियर। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का वेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ, तीन बॉन्ड के साथ क्या है, अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन यहां से लीव करेगी और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे एसिटल मॉलिक्यूल। मींस ये है आर सी ओ आर डैश, ओ आर डैश कहां से है, फर्स्ट मोल ऑफ एल्कोहल, ओ आर डबल डैश सेकेंड मोल ऑफ एल्कोहल, और ये आपका आया एच, क्लियर। तो ये आपका मॉलिक्यूल, जब आपके दो एल्कोक्सी ग्रुप आ जाएं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे एसिटल, एसिटल। ये थी प्रिपरेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करें, डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करें। देखिए आपका ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको यहां से रिमूव कर दीजिएगा, यहां से एच कटी, ये ओ आर डैश और यहां से ओ आर डबल डैश, दोनों को लीजिए और दोनों को कार्बन पर अटैच करा दीजिए, ये हो जाएगा आर सी एच। मैंने कहा एल्कोक्सी ग्रुप ऑफ बोथ एल्कोहल, ये दोनों एल्कोक्सी ग्रुप ऑफ बोथ एल्कोहल है ना, ये फर्स्ट मोल और ये सेकेंड मोल का एल्कोक्सी ग्रुप है, दोनों को एड करा दिए और एस टू रिमूव करा दिए। ये डायरेक्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ हेमी सॉरी एसिटल। अब ये फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल यहां पे न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आ भी चुका है एसिटल और हेमी एसिटल बनाना। ये कीटल भी बन जाता है, अगर आप यहां पर एल्डिहाइड की जगह क्या ले लोगे, एक आर लोगे, तो इसको बोलेंगे हेमी कीटल एंड कीटल, क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जितना मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई है, इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो अमोनिया डेरिवेटिव्स के है। अमोनिया डेरिवेटिव्स मैंने बताए थे कौन कौन से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजीन हाइड्रोक्सिलामाइन फिनाइल हाइड्रोजीन 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजीन सेमी कार्बाजाइड, तो ये सभी रिएक्शन कैसी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर बताए थे हाइड्रेट फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन और ये एसिटल और हेमी एसिटल फॉर्मेशन, तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको, और एल्डोल और कैनिजारो की तो अलग से है ही। अब आता है नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड आप पढ़ के भी आएंगे और जो चीज समझ में ना आए उसके लिए विजिट cbseissc.com, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम चार रिएजेंट से रिडक्शन करेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन को उनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में इनको चेंज करेंगे। थैंक यू।